ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है थायराइड से जुड़ी बीमारी के प्रकार, लक्षण, कारण और उपचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में इंडोक्राइनोलॉजी के प्रोफेसर डॉ राजेश खडगावत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। जिस तरह से हमारी जीवन शैली बदल रही है और कई बीमारियां हमारे शरीर को घेर रही हैं, इसका हमारे शरीर और मस्तिष्क पर सीधा असर होता है और इन लाइफस्टाइल में आए बदलावों से हमारी फिटनेस प्रभावित होती है, मेटाबॉलिज्म लगातार प्रभावित होता है। इसलिए ये जरूरी होता है कि हम इन बीमारियों को लेकर, डिसऑर्डर्स को लेकर सजग रहें और हमारी भी कोशिश रहती है कि विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से और विशेषज्ञों के माध्यम से आप तक जानकारियां पहुंचाएं। आज वर्ल्ड थायराइड डे है तो आज के अवसर पर हम थायराइड डिसऑर्डर पर विस्तार से बात करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं एम्स के एंडोक्रिनोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश खडगावत। डॉक्टर राजेश, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी समाचार के साथ। नमस्कार डॉक्टर राजेश। एक बेसिक सवाल, मूल सवाल से ही मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, इससे पहले कि डिसऑर्डर पर आऊं। थायराइड क्या है और किस तरह से हमारे शरीर में ये भूमिका निभाता है? थायराइड एक तितली के आकार की ग्रंथि है जो कि हमारी गर्दन के सामने के भाग में पाई जाती है, गर्दन के नीचे के भाग में होती है, बिल्कुल स्किन के जस्ट नीचे होती है। और एक ये डक्टलेस ग्लैंड है, ऐसी ग्लैंड है जिसका कोई भी खुद की कोई डक्ट नहीं होती और ये जो भी हार्मोन बनाती है वो सीधा खून में छोड़ती है। इसको कहा जाता है कि एक ऐसी ग्लैंड है कि जो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, ये शरीर के हरेक अंग को कंट्रोल करती है। इसके बनाए हुए जो हार्मोन है जिन्हें हम थायराइड हार्मोन कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको T4 TSH कहते हैं। ये T4 हार्मोन थायराइड ग्लैंड में बनता है और ये यहाँ से खून के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है और जहाँ हरेक कोशिका या सेल की कार्य प्रणाली को पूरी तरह से अफेक्ट करता है। अगर ये हार्मोन नहीं मिले तो हमारे शरीर की सेल जो है, कोशिकाएं जो है, काम नहीं कर पाएंगी, किसी भी तरह का काम नहीं कर पाएंगी, चाहे वो हार्ट की सेल हो, चाहे लीवर की हो, चाहे किडनी की हो या आंतों की सेल हो, किसी भी प्रकार की कोशिकाएं यानी सेल काम पूरी तरह से अपने अच्छे रूप में काम नहीं कर पाएंगी। और ऐसा ही है कि अगर हार्मोन ये ज्यादा बनने लग जाए तो उसके विपरीत ऐसा होगा कि कोशिकाएं या सेल जब ज्यादा काम करने लग जाएगी, ज्यादा एनर्जी बनेगी, वो भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो दोनों स्थिति में ही अगर हार्मोन कम बने या हार्मोन ज्यादा बने जो कि थायराइड से बनते हैं, की स्थिति में हमें बीमारियां हो सकती है। तो थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है। जी जी, तो थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शनिंग है वो कैसे प्रभावित होती है और कब ये डिसऑर्डर में बदल जाता है, इसके बारे में आप बताएं। थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शनिंग है कि उसको किस दिन कितना हार्मोन खून में छोड़ना है, यह कंट्रोल करता है दिमाग। दिमाग में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिनियल ग्रंथि होती है, उससे एक हार्मोन बनता है जिस हार्मोन का नाम होता है TSH। ये TSH ऑर्डर लेके जाता है थायराइड ग्लैंड के लिए, खून के द्वारा थायराइड ग्लैंड पहुंचता है या ऑर्डर देता है थायराइड ग्लैंड को कि आप इतना थायराइड हार्मोन बनाइए, इससे ज्यादा नहीं बनाइए। तो जैसे ही थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर मिलता है कि आपको आज दिन में इतना हार्मोन बनाना है, इतने माइक्रोग्राम हार्मोन बनाना है, तो थायराइड ग्लैंड उतना माइक्रोग्राम हार्मोन बना के खून में छोड़ देती है और वो खून के जरिए पूरे शरीर में फैल जाता है, सारे शरीर की कोशिकाओं को वो कार्य प्रणाली को अफेक्ट करता है और अपना कार्य करता है। तो ये कंट्रोल थायराइड ग्लैंड का ब्रेन से होता है, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन के द्वारा। जी जी, तो जब थायराइड डिसऑर्डर की बात आती है तो उसमें जो शुरुआती लक्षण हमारे शरीर में, अगर हम समझना चाहें, जिस पर कि हम ये सोच सकते हैं कि अब हमें टेस्ट करा लेना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, वो कौन से लक्षण हमारे शरीर में नजर आते हैं? हाँ जी, इसमें थायराइड में कुल तीन प्रकार की बीमारियां होती है। पहली बीमारी ऐसी होती है कि जिसमें थायराइड हार्मोन बनना कम हो जाता है, दूसरी बीमारी होती है जिसमें थायराइड हार्मोन बनना ज्यादा हो जाता है, और तीसरी बीमारी होती है जिसमें कम ज्यादा भी हो सकता है लेकिन उसमें गले में सूजन आ जाती है, जिसे हम पुरानी भाषा में हम घेंगा रोग बोलते थे, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गोइटर बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, गांठ हो जाती है। तो ये तीन तरह की मुख्य बीमारियां हैं। इनमें सबसे कॉमन जो आम जनता को बहुत जरूरी है जानना जिसके बारे में, वो है हार्मोन कम बनने की बीमारी, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में हार्मोन बनना कम हो जाता है। तो जैसा हमने अभी समझा कि ये पूरे शरीर के फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है,
तो हार्मोन कम होने की वजह से पूरे शरीर की कार्य व्यवस्था एकदम ढीली पड़ जाती है, आदमी के एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाता है, थकावट कमजोरी ये ज्यादा आ जाती है, आंतों की कार्य प्रणाली स्लो हो जाती है तो उसको कब्जी हो जाती है, हार्ट रेट कम हो जाती है, पूरे शरीर में सूजन लगती है, किडनी कम काम करती है तो पानी शरीर में इकट्ठा हो जाता है, तो थकावट कमजोरी गुस्सा चिड़चिड़ापन कब्जी का रहना, स्किन एकदम ड्राई रहना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, इस तरह के अगर लक्षण है तो हम मान सकते हैं कि ये लक्षण थायराइड की हार्मोन की कमी की वजह से हो सकते हैं और हमें इसमें जांच करवा लेनी चाहिए। दूसरी तरह की बीमारी है कि जिसमें थायराइड हार्मोन बनना ज्यादा हो जाता है, जिसको हम हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं, इसमें थायराइड ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाती है और ज्यादा हार्मोन बनाती है। तो जो हमने देखा कि हाइपोथायरॉयडिज्म या कम बनने में जो लक्षण हो रहे थे उनका उल्टे लक्षण अब हाइपर थायरॉयडिज्म में होते हैं, उसमें वजन बढ़ता है, इसमें वजन कम होना शुरू हो जाता है, उसमें कब्जी रहती है, इसमें दिन में 3-4 बार लैट्रिन होती है जिसे हम डायरिया कहते हैं वो हो जाता है, थकावट कमजोरी आती है, उसमें शरीर में सूजन रहती है, इसमें शरीर एकदम पतला हो जाता है और हाथ पांव गर्मी बहुत महसूस होती है। ऐसे रोगियों के लिए गर्मी में टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, सर्दियां उनके लिए ठीक रहती है क्योंकि उनके शरीर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, गुस्सा चिड़चिड़ापन ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह के अगर लक्षण हो, जैसे किसी का वजन कम हो रहा हो, दिन में बार बार दस्त आ रहे हो, थकावट कमजोरी हो रही हो और उनको हर वक्त गर्मी सी लगती रहती है, बाकी सब लोग की सर्दी अच्छी निकलती है, सर्दी ज्यादा लगती है, इनको सर्दी बिल्कुल नहीं लगती है, तो इस तरह के अगर लक्षण होते हैं तो हमें थायराइड हार्मोन के लिए चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ज्यादा थायराइड हार्मोन बनने की बीमारी तो नहीं। तो जांच की अगर हम बात करें, किस किस तरह की जांच उपलब्ध है, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि एक ब्लड टेस्ट होता है, उसमें जो THS लेवल है उसकी जांच होती है और उससे पता लगाया जाता है कि हमारे शरीर में थायराइड की कितनी फंक्शनिंग है। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, थायराइड का टेस्ट बहुत ही एक सिंपल टेस्ट है और किसी भी वक्त लिया जा सकता है, कभी सवेरे भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं, ब्लड टेस्ट रात को भी करा सकते हैं, खाली पेट की भी जरूरत नहीं है और एक सिंपल टेस्ट है जो लेके हम ऐसा भी है कि घर पे लेके हम किसी के हाथ लैब भेज दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ब्लड टेस्ट में T4 TSH की हम जांच करते हैं, T4 थायराइड ग्लैंड बनाती है और TSH पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है दिमाग में, तो इन दोनों की हम जांच करते हैं। तो इसमें देखा जाता है पहला जो बदलाव आता है वो है कि TSH लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म, तो 10 तक जब तक ये नहीं पहुंचता है तब तक T4 लेवल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जब ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 20 क्रॉस कर जाता है, 20 क्रॉस कर लेता है, तब होता है कि T4 लेवल कम होना शुरू हो जाता है। किसी भी मरीज में अगर TSH 20 से ज्यादा आ रहा है तो हम ये पक्के तौर पे मान के चलते हैं कि इनको थायराइड की बीमारी है और अगले दिन से ही हमें इलाज शुरू करना है। और जिनको 10 से कम आता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि अगर 10 से कम है तो हो सकता है कि लैब में वेरिएशन की वजह से हो, तो ऐसे स्थिति में हम इलाज नहीं शुरू करते, उसमें हम देखते हैं कि 3 महीने बाद और करके देखेंगे, अगर ये 10 क्रॉस करेगा तो हम इलाज शुरू कर देंगे। और कुछ पेशेंट्स में 10 से 20 के बीच में होता है तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि हमें इलाज शुरू करना है या नहीं करना, आमतौर पर 10 से ऊपर आते हैं सब में इलाज शुरू कर देते हैं। तो ये 3 तरीके से हम जो TSH की जांच है उसको उसके आधार पे हम इलाज शुरू कर सकते हैं, लेकिन सभी लोगों के लिए जानना जरूरी है कि TSH अगर 10 से ज्यादा है तो बहुत संभावना है कि आपको इलाज शुरू हो जाए, और 20 से ज्यादा है तो 100% है कि सभी मरीजों को इलाज की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो मूल जानकारी है हमारे श्रोताओं को निश्चित रूप से उससे लाभ होगा। एक और जो फैक्ट है जिस पर मैं आपका क्लैरिफिकेशन चाहूंगा कि थायराइड डिसऑर्डर क्या महिलाओं में इसकी संभावना ज्यादा होती है होने की, ऐसे केसेस ज्यादा आते हैं महिलाओं में? हाँ बिल्कुल, थायराइड क्योंकि अधिकतर केसेस में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है कि जिसमें थायराइड ग्लैंड के प्रति शरीर में कुछ एंटीबॉडीज बन जाती हैं और वो एंटीबॉडीज थायराइड ग्लैंड को काम करने में रुकावट पैदा करती है जिनकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, और अगर एंटीबॉडीज ज्यादा काम करती है तो हाइपरथायरॉयडिज्म भी एंटीबॉडीज की वजह से हो सकता है। तो दोनों ही तरीकों में ऑटोइम्यून बीमारी है, तो ये देखने में आया कि यह बीमारी अधिकतर कॉमन महिलाओं में होती है, लेडीज में ज्यादा कॉमन होती है, इसके विपरीत पुरुषों में ये बीमारी बहुत कम देखने को मिलती है। इसके बहुत पे रिसर्च हुआ है, इसका पक्का आंसर नहीं है कि महिलाओं में ही क्यों ज्यादा है, कुछ थ्योरीज है, साइंटिफिक थ्योरीज है जिसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, उसके आधार पर पता चला है कि महिलाओं में ये बीमारी ज्यादा होती है।
डॉक्टर साहब, हम अक्सर देखते हैं कि एक सेल्फ मेडिकेशन के लिए कई बार ऐसी दवाई सुझाते हैं जो खाली पेट खानी होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि मरीज कई बार बिना डॉक्टर की सलाह के ही खुद से ही टेस्ट करवा के उसको उस गोली को खाना शुरू कर देते हैं। कितना जरूरी है डॉक्टर की सलाह लेना इसमें? नहीं, बिल्कुल जरूरी है। अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं करें, ये साधारण चीज नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको गोली खानी है, गोली के साइड इफेक्ट भी होते हैं। और आपने गलती से अगर गोली खानी शुरू कर दी है जबकि आपको इलाज की जरूरत नहीं थी, तो उसके आप सोचिए कितना बड़ा असर पड़ेगा। 10 साल तक आप गोली खाएंगे, बार बार टेस्ट करवाएंगे, आपको ये लगेगा कि आप बीमार हैं जबकि आपको इलाज की जरूरत ही नहीं थी। तो मेरी सभी से प्रार्थना यही है कि जब भी आपको लगे लक्षण है, आप टेस्ट करवाइए और एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाइए। केवल इसका TSH ही नहीं है, हमें थायराइड ग्लैंड को छूकर एग्जामिन करके भी देखना होता है कहीं उसमें गांठ तो नहीं है। बिल्कुल, अगर छोटी सी भी गांठ होती है तो उसके लिए फिर हमें उसमें सुई डाल के देखना पड़ता है कि कहीं कैंसर की गांठ तो नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल इशू है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करें, आप अपने चिकित्सक से सलाह लें और उसके बाद में ही इलाज शुरू करें। ये गोली ऐसी है जो सिंपल लगती है कि इसका कोई इमीडिएट साइड इफेक्ट नहीं है, तुरंत कुछ नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम ये लेते रहें तो इससे, अगर जरूरत से ज्यादा डोज ले रहे हैं या बिना जरूरत के ले रहे हैं, तो इससे हड्डियां कमजोर हो जाती है, हार्ट की बीमारी होने का खतरा हो जाता है। तो कोई नहीं चाहेगा कि इस तरह के कॉम्प्लिकेशन। जी, जिन मरीजों का हाइपोथायरॉइडिज्म का इलाज चल रहा है तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, कौन कौन सी उन्हें बातों का ध्यान रखना चाहिए? डॉक्टर्स की सलाह, डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट एक अलग प्रोसेस है, लेकिन खुद में भी अपनी जीवन शैली में और इलाज के साथ साथ कौन सी अहम बातें हैं जिन पर उन्हें गौर करना चाहिए? जिन पेशेंट को मानते हैं कि हाइपोथायरॉइडिज्म जो कम हार्मोन बनने की बीमारी है, उसमें उसका इलाज बहुत ही सिंपल है और उसकी ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है। एक छोटी सी गोली है जो आपको सवेरे उठते ही लेनी है, उठते ही खाली पेट लेनी है, आधे घंटे तक चाय दूध नहीं लेना है और उसके बाद आपको कोई ध्यान नहीं रखना है, आप जो खाना चाहे खा सकते हैं। थायराइड का खाने पीने की बीमारी से संबंध नहीं है, लेकिन आपको गोली भूलना नहीं है। दिन में एक बार गोली लेना है, सबसे पहले सवेरे उठते ही लेना है। मान लीजिए किसी दिन अगर आप भूल गए और आपको 10 बजे याद आया कि अरे मैं तो गोली भूल गया, अब क्या करूं, जब भी आपको याद आए आप गोली ले लीजिए और आधे घंटे तक कुछ नहीं खाइए। हो सकता है कि आपको शाम को याद आ जाए, तो उस दिन जब भी आपको याद आए शाम को ले लीजिए, लेकिन अगले दिन वापस सवेरे खाली पेट ले लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक दिन पूरा भूल गए कि अरे मैंने तो कल गोली ही नहीं ली, याद ही नहीं रहा, तो अगले दिन आप डबल डोज ले सकते हैं, दोनों दिन की डोज ले सकते हैं एक साथ में। और अगर आप 2 दिन भूल गए तो 3 दिन की डोज एक साथ ले सकते हैं, 3 दिन तक की डोज आप ले सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही होगी कि आप कोशिश करें किसी भी तरीके से ये गोली भूले नहीं, सवेरे उठते ही खाली पेट लेनी है, आधे घंटे तक चाय दूध नहीं लेना है। और जिन चीजों का ध्यान रखना है कि कैल्शियम या आयरन की गोली ले रहे हैं तो वो कम से कम 2 घंटे तक आप कैल्शियम आयरन की गोली नहीं ले। अगर आपने 7 बजे गोली ले ली है तो 9 बजे तक आप कैल्शियम आयरन की गोली नहीं ले, क्योंकि वो कैल्शियम आयरन की गोली जो लेते हैं वो इस थायराइड की गोली के एब्जॉर्प्शन में, ब्लड में जाने में रुकावट पैदा करती है। तो इसलिए इस चीज का और ध्यान रखना है। खाने पीने में किसी भी तरह का परहेज बिल्कुल जरूरी नहीं है, थायराइड का परहेज संभव नहीं है। और अब ये मानते हैं कि सभी लोग आजकल आयोडाइज सॉल्ट यूज करते हैं, जिसमें नमक यूज करते हैं, जिसमें आयोडीन मिली होती है, तो उसके अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो उसके अलावा किसी भी चीज खाने पीने में ध्यान रखने की जरूरत है। जी, तो नियमित जांच पर भी आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सभी लोग ये नहीं समझे कि हम ये कह रहे हैं कि सब लोगों को थायराइड की जांच की जरूरत है, कतई नहीं जरूरत है। सिर्फ उन्हीं लोगों को थायराइड की जांच करवाने की जरूरत है जिनको हाइपो और हाइपरथायरॉइडिज्म के लक्षण हो रहे हैं, या जिनके गले में थायराइड में गांठ है किसी तरीके की, या जिनके घर में किसी को थायराइड की बीमारी है, या उनको कई 4 साल 5 साल पहले 2 साल पहले कभी कोई थायराइड की जांच करवाई थी उसमें गड़बड़ी आई थी, या जिनको कैंसर की दवाई चल रही है, तो इन लोगों को थायराइड की जांच करवा लेनी जरूरी है। अन्यथा सभी लोगों को, आम पब्लिक को, किसी भी हालत में थायराइड की जांच बिना लक्षण के करवाने की जरूरत नहीं है। जी जी, डॉक्टर राजेश बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड थायराइड डे के अवसर पर आपने थायराइड डिसऑर्डर से जुड़ी बहुत अहम जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, और निश्चित रूप से आपकी जो बताई बातें हैं उन पर हमारे सुनने वाले जरूर गौर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे थायराइड से जुड़ी बीमारी के प्रकार, लक्षण, कारण और उपचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में एंडोक्राइनोलॉजी के प्रोफेसर डॉ राजेश खड़गावत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।